तारीख 13/4/72 को मानवता मंदिर पर बैसाखी के अवसर पर परम पूज परम दयाल जी सत्संग फरमा रहे हैं। Got it.
आपने सुन लिया, हर एक मत वाला, हर एक मजहब वाला लफ्ज कोई हो, राग कोई हो, बयान कुछ हो, उसका भाव यही रहता है कि इंसान सुख चाहता है, प्रेम चाहता है, भक्ति चाहता है, शक्ति चाहता है। क्यों? कि उससे उसका जीवन अच्छा बनता है। मैं 1905 में 24 घंटे लगातार रोने के बाद कि मुझको नाम तो लेता था मालिक का, मगर शांति की जरूरत थी जिसका पता नहीं था, एक दृश्य द्वारा हजूर दाता दयाल महर्षि जी के चरणों में मैं गया। उन्होंने मुझे ये संत मत की तालीम वगैरह सब कुछ दिया। क्योंकि इस संत मत की बानियों में तमाम मत मतांतरों का को काल और माया में रखकर संतों ने, कबीर ने अपने संत मत के मार्ग को ऊंचा बताया था। और मैं एक साधारण हिंदू ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला, मेरे लिए ये खंडन असह योग है। जो खंडन किया हुआ था बानियों में, इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर मेरा विश्वास दाता दयाल से टूटा नहीं, बानी मुझे समझ नहीं देती थी। इस वास्ते मैंने उस वक्त प्रण किया था कि इस रास्ते चलूंगा, जो कुछ मुझको मिलेगा इस जिंदगी के तेरवे में मैं संसार को बता जाऊंगा। मैं किसी पर कोई एहसान नहीं करता, अपना कर्म भोगता हूं। ये मेरी अपनी ही इच्छा थी कि जो कुछ मेरा अब जो अनुभव मुझको हुआ, 85 साल का मैं हो गया इस बैसाखी के सत्संग पर, वो कहना चाहता हूं। मैंने निर्वाण का मजमून रखा है। निर्वाण वो अवस्था है जो कि जैनियों में भी निर्वाण है आखिरी, बुद्धों में भी निर्वाण है आखिरी, हिंदुओं में भी निर्वाण है आखिरी, मुसलमानों में भी निजात है आखिरी। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर, अपने कर्म भोग बस कहना चाहता हूं कि निर्वाण मैंने क्या समझी। मैंने इसी वास्ते कारी साहब को, पंडित वशिष्ठ जी महाराज को, प्रिंसिपल गया राम जी को, अपने गुरु भाई हैं आनंद राव जी, ये संत कृपाल सिंह को लिखा। तो मैंने संत बाबा चरण सिंह को, वो बड़े आदमी हैं, हम गरीबों की तरफ उनकी नजर नहीं जाती, कि वो आए। हो सकता है कि मैंने जो कुछ समझा हो यह गलत हो, ताकि मेरे गलत फहमी की वजह से दुनिया पथ प्रश्न न हो जाए। ये मैंने सांग बनाया, देखते हो ना, ये मेरे जीवन के अनुभव का निचोड़ है। निर्वाण के हासिल करने के बाद जो जिंदगी गुजारी जाती है उसका ये सैंपल है, जो जिस स्वांग को लेकर के मैं जहां बैठा हुआ हूं।
तो आज मैं बताना चाहता हूं कि निर्वाण क्या है। आम तौर पर मैं विद्वान नहीं, संस्कृत नहीं जानता, हमने ये सुना हुआ निर्वाण के मैंने फूंक मार के किसी चीज को जाया कर देना। दूसरे मैंने में जितने मन के अंतर ख्यालात, तखयल, विचार, फुरनाएं या शंकाएं, सवाल जवाब, आशाएं उसी हैं, इनके खत्म हो जाने का नाम निर्वाण है जो मैंने समझा। अब मेरे ऊपर दाता दयाल की दया और आप सत्संगियों की दया से निर्वाण के रूप को तो मैं समझ गया हूं, मगर अभी तक निर्वाण में पूर्ण स्थिति मेरी अभी तक नहीं हुई। मैं गिरता रहता हूं। गिरना क्या है कि जितनी फुरनाएं फुरती हैं, ये फुरती हैं मेरे अंदर भी। बाधे वक्त तो मुझे ये ज्ञान रहता है कि ये माया है नहीं, और बाधे वक्त संसार के खेल के अंतर मैं भूल जाता हूं। जो दृश्य या जो विचार मेरे सामने आते हैं उनको उस वक्त के लिए सत्य मानकर खेल कर जाता हूं। विशेषता मेरी बात को सोचने की बात करना। अब इस निर्वाण के हासिल करने के बाद निर्वाण से परे एक और अवस्था है। अब निर्वाण क्या है? जब से मुझे ये ज्ञान हुआ कि मैं किसी के अंतर नहीं जाता, लोगों के अंतर मेरा रूप प्रकट होता है, किसी को मरते समय ले जाता है, मैं ये फैशन, मैंने ये काम, अपने दिल के अंतर एक गर्द रखकर मानव जाति के ख्याल से मैंने काम किया है। हम लोगों को इन मजहब वालों ने, इन पंथ वालों ने, इन गद्दी वालों ने अज्ञान में रखकर हमको बेवकूफ बनाकर हमारी दौलतों को लूटा है, हमसे नाक रगड़वाए हैं, जिसका ज्ञान मुझे लोग कहते हैं अंत समय में सदगुरु आके तुमको ले जाएगा। और इसी ख्याल से व्यास, आगरा बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं। मैं इस दफा उज्जैन गया, वहां एक 90 साल बुढ़िया मर गई, होश में थी। मरती दफा कहती है बाबा सावन सिंह जी आ गए, फिर कहती है बाबा जगत सिंह आ गया, फिर कहती है बाबा फकीर आ गया। वो रोशनी में बैठा हुआ कहता है सामने बाग बड़ा सुंदर लगा हुआ है, उस बाग में कुटिया बनी हुई है, वहां तुमको ले जाऊंगा। अच्छा मैं जा रही हूं, हाथ जोड़े राधा स्वामी किया मर गई। ऐ भारत वर्ष के मजहबी दुनिया वालों, मैं किसी के बरखिलाफ नहीं कह रहा, मैं अवतार लेके आया हूं निबल अबल अज्ञानी जीवों की सहायता के लिए। मेरे नाम हुक्म है दाता दयाल का, तू तो आया नरदेही में थर फकीर का भेसा, दुखी जीव को अंग लगा कर लेगा गुरु के देशा। तीन ताप से जीव दुखी है निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नाम दान दे दानी। अब मैं तो गया नहीं ना, मैं जानता हूं कब मरी वो। ये वो राग है जो कबीर ने भी नहीं खोला, ये वो राग है जो संतों ने भी नहीं खोला,
मैं क्यों खोल रहा हूं? इस वक्त इस राज की जरूरत है, डिमांड ऑफ दी जे है। मानव जाति इस अज्ञान की वजह से मुख्तलिफ मजहबों, मुख्तलिफ पंथों, मुख्तलिफ धर्मों, मुख्तलिफ गलियों में बढ़ चुकी हुई है, जिसका नतीजा बाहमी द्वेष, गरीबत और झगड़े मुकदमे गलियों के लिए मुकदमेबाजी होती है। तो तुम लोग सत्संग में आए हो, आपकी बड़ी दया। मैं निर्भय होकर कहना चाहता हूं कि निर्वाण वो अवस्था है जब इंसान को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि मेरे अंत में जितने विचार, शंकाएं, ख्यालात, भाव सब उठते हैं, ये है नहीं बल्कि माया है। जिस तरह उस बुढ़िया के अंदर मैं नहीं गया, वो फकीर चंद जो उसको नजर आता था वो था नहीं, मगर उसको पालता था। यही हिंदू शास्त्र सनातन कहते हैं ये माया है। एक माया तो हमारे अंदर है, ये माया हमारी है। हम अपनी माया से निकल सकते हैं, अपनी माया को काबू कर सकते हैं। एक ये भगवान की माया, सूरज, चांद, सितारे, जमीन, सोलर सिस्टम, ये हमारी माया नहीं है। वेदांत जी कहते हैं ये दुनिया है नहीं। मैं कहता है क्यों नहीं, कैसे नहीं है? अंधे हो गए हम कैसे कहें कि सूरज नहीं है, चांद नहीं है, सितारे नहीं है? कैसे कहें? हमारे जो अंदर में संकल्प उठते हैं ये नहीं है। हम हमारे लिए बंधन का कारण ये दुनिया नहीं है। हमारे बंधन का कारण हमारा अपना मन की जो खुल्द पल्स है वो है। तो जब से मुझे आप लोगों के चरणों की बदौलत शिष्य ने गुरु को ये जाने, सबको गुरु निवे शिष्य को कोई विरला ही हो, मैं वो गुरु हूं जो शिष्यों को तुम लोगों के चरणों के आगे अपना सिर नवाता हूं, क्योंकि ये ज्ञान मुझको दाता दयाल की दया से आप लोगों के सत्संगियों से तजर्बों से हुआ कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता। इसी बात को पर्दे में रख के तुम देखो कितने तुम लुटे जा रहे हो। ये जो रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होते हैं ये है क्या? जिस किस्म का संस्कार तुम्हारे अंदर पड़ा हुआ है, अगर मन पवित्र है तो जो रूप प्रकट होगा वो तुमको पवित्रता के लिए तरफ ले जाएगा। अगर मन अपवित्र है तो मन तुमको बुरे, आप देखो हाल ही में तुमने पढ़ा होगा अखबार में, एक देवी के भगत ने अपने 3 साल के लड़के को कत्ल कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उसको सपने में उसका बाप आया और उसके बाप ने कहा मैं यहां इस झोले में दुखी हूं, देवी तुम पर नाराज है, अपने बच्चों के बलिदान कर दो, तुमको सब कुछ मिल जाएगा और बच्चे भी ठीक हो जाएंगे। अब उसके अंदर जो पिता का रूप प्रकट हुआ वो कौन सा था? उसका पिता था। ये मैं क्यों कहता हूं? सब जब मैं अमेरिका जा रहा हूं, वहां के एक आश्रम है, 20,000 उसकी मेंबर है, उन्होंने मुझे बुलाया है, खर्च वो देंगे, जाऊंगा मैं एक आदमी मेरे साथ। क्यों? मेरा रूप उनके अंदर प्रकट होता है, लेडीज के अंदर, आदमियों के अंदर, और वो अचंभे में है। वो कहते हैं बाबा मिराकल करता है, और मैं हल्फिया बयान देता हूं कि मुझे कुछ पता नहीं। ये वो राज है विशिष्ट, तुम या हृदय राम या और महापुरुष मुमकिन है मेरे साथ सहमत ना हो। आपको इजाजत देता हूं मेरे पर खिलाफ कहो, मुझे कोई दुख नहीं। मैंने तो अपना कर्म भोगना है, मैंने प्रण किया था अपना अनुभव क्या जाऊंगा। अब जिस तरह से मैं उस बुढ़िया के अंदर या लोगों के अंदर नहीं जाता, उसका बाप भी नहीं आया,
किस किस्म के जो दृश्य हमारे अंदर नजर आते हैं इंसानों के अंदर, इन दृश्यों की वजह से हमको फायदा भी पहुंचता है और हमको नुकसान भी पहुंचता है। ये नहीं, अगर हम मेरा भी दृश्य ही था, टाटा डाल मेरे ही दृश्य में आए थे, क्योंकि मेरे मन के अंदर उस मालिक के परम मिलने की जबर सच्चाई की तरफ थी। मेरे ही मन ने मुझको, तुम्हारा मन ही तुम्हारा साथी है, तुम्हारा मन ही तुम्हारा साथी है। तो जब से मुझे ये ज्ञान हो गया, अब मेरा साधन क्या है, जब मैं अभ्यास में जाता हूं, मन के रूप रंग शक्ल सब छोड़ जाता हूं। यहां तक कि गुरु के जो इंसानी शक्ल है इसको भी छोड़ जाता हूं। आगे क्या रह जाता है, प्रकाश और शब्द, पार ब्रह्म और शब्द ब्रह्म। दुनिया ने राधा स्वामी मत को ये सब बुरा कहते हैं, मैं कहता हूं उनकी समझ में नहीं आया। जिस रात पाक ने राधा स्वामी मत को चलाया है, उसने साफ लिखा सदगुरु कौन, सदगुरु सिर्फ शब्द स्वरूपी राधा स्वामी दयाल, उसके चरण प्रकाश। बाहर के गुरु की ये ड्यूटी है कि जीव को उसकी प्रकृति के मुताबिक चलाकर उसकी तवज्जा को प्रकाश और शब्द में ले जाए। यही हिंदू धर्म की तालीम है। गायत्री मंत्र, प्राणायाम मंत्र में सावित्री का साधन दिया गया है। क्या फर्क है राधा स्वामी मत में और सनातन धर्म में, कोई फर्क नहीं। तो मेरा मिशन जो है, आई हैव कम टू यूनाइट द रिलीजन, मैं यूनिटी ऑफ रिलीजन के लिए आया हूं, यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए आया हूं। कोई इससे आगे जब यहां पहुंच जाता है, इसके आगे निर्वाण के परे है रूहानियत का देश। निर्वाण सिर्फ, क्योंकि आत्मा जो हमारा है ये हमेशा अजर और अमर है, ना ये मरता है ना ये जन्मता है, ये खुद स्वयं प्रकाश स्वरूप है और शब्द स्वरूप है। तो जब तक कोई निर्वाण को पहले हासिल नहीं करेगा, दूसरे महीने में जब तक कोई दसवें द्वार से आगे नहीं जाएगा, तीसरे महीने में जब तक कोई निर्वकल्प समाधि से आगे नहीं जाएगा, तब तक कोई आदमी भी निर्वाण को हासिल नहीं कर सकता। अच्छा, अब मैंने जो नायर साहब ने मुझसे सवाल किया था कि इतने दकीक मजमून को पब्लिक के सामने आप पेश करते हैं, पब्लिक इसकी मुस्तक नहीं है, मैं भी जानता हूं, मगर मैं ये कहता हूं कि दुनिया का कल्याण इस तालीम में है जो मैं दे रहा हूं इस वक्त। क्यों मन के चक्कर में आके तुम फंसते हो? जब तक तुम इस शरीर के अंदर हो, तुम्हारा मन और तुम्हारा जिस्म साथ है, उस वक्त तक वे तुम्हारे के चरणों में आओ, क्योंकि तुम्हारा संकल्प है शिव संकल्पम अस्तु। कल्याणकारी ख्यालात का रखना, ये है गृहस्थियों के, दुनिया के जीव के लिए, और निर्वाण के परे है प्रकाश और शब्द का मजमून। तो मेरी अब साधन ये है कि मैं जहां से वहां तक जाता हूं। मैंने इनको इस बार प्रिंसिपल राम साहब नहीं आए, आ जाएंगे जी, भेजा हुआ। तो इस दुनिया में रहते हुए अगर तुम इस दुनिया में बेहतर रखना चाहते हो, तो याद रखो मन के मते मत चलो। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार हैं ते साधु कोई एक। हर एक शख्स को गुरु करना चाहिए, मगर गुरु करने से पहले गुरु को कीजिए जान पहचान, पानी कीजिए छान। तुम ऐसे गुरु के साथ तर्क पैदा करो जो मेंटल साइकोलॉजी का मास्टर है, जो तुम्हारे ख्यालात को समझकर, तुम्हारे प्रकृति को देखकर तुमको सही गाइडेंस दे सके। यह है लाजमी और जरूरी बात। अब मैं ये चाहता हूं
कि शास्त्रों के अनुकूल निर्वाण क्या है। मैंने तो चंद लफ्जों में बहुत विद्यावान न होते हुए चंद लफ्जों में आपको निर्वाण का रूप बता दिया। जब तक कोई आदमी निर्वाण को नहीं पहुंचता, पहले निर्वाण फिर आत्मपद। निर्वाण क्या है? फूंक मार देना। किसको? जो तुम्हारे अंतर में ख्यालात होती है इनमें ना फंसना ही इसके मैंने ये है फूंक मारना। मेरी रफ्त वशिष्ठ जी बिल्कुल सादा है, कोई इसमें विद्या या अडंबर नहीं है। मामूली से मामूली बुद्धि वाला जिसकी कोई इतनी समझ नहीं है वो भी मेरी बात को दाता दाल का भी लिटरेचर है। उनके लिटरेचर से तुमको मोती चुनने पड़ेंगे। दाता दयाल की तालीम में या दूसरों तुमको कोई चीज छूननी पड़ेगी बीच में से। मेरे लिटरेचर से, मेरे किताबों से, मेरे सत्संगों से, मेरे व्याख्यानों से तुमको किसी चीज की छूनने की जरूरत नहीं है। निकले पड़े हैं उठा करके खीसे में डालने या उसको हजम करने या उसको अमल करने की जरूरत। बिल्कुल सादा लफ्जों में मैंने निर्वाण के ऊपर आपको चंद कहीं सुन रहे हो। अब मुश्किल ये है, जान तो बकवास तो मैं भी कर गया, सच पूछती हूं। जब इस पर मैं अमल करना चाहता हूं तो मेरे भी पांव गिरते हैं, उखड़ते हैं। आपसे कोई झूठ बात नहीं कहता। मेरी जिंदगी का मिशन है सत्य प्रिया। मैंने अपनी जिंदगी में अपने लिए जब से होश संभालिया कभी झूठ नहीं बोला। मातहतों के लिए बखेरे पाप किए, किताबें बदल दी, उनको बचाने के लिए झूठे स्टेटमेंट लोगों से डरवा दिए, सब कुछ किया, मगर जहां तक मेरी अपनी जिंदगी जात का सवाल रहा मैंने झूठ नहीं बोला। इस वास्ते गुरु पदवी पर आने पर भी मैंने वो पखंड नहीं जगाया, हाँ हम तुमको ले जाएंगे अंत समय में, या मैं गया था अमेरिका में या तेरे अंदर प्रगट हुआ था, तो सब ये बात थी। मगर गिरता मैं नहीं हूं। फिर उसका इलाज क्या है गिरने का? उसका इलाज है विश्वास, रूप का सहारा। एक रूप बना लो। दुनियादारों के लिए कहता हूं, जिन्होंने निर्वाण से परे जाना है वो रूहानियत, उनके लिए प्रकाश और शब्द, पार ब्रह्म देश और शब्द ब्रह्म देश। जो दुनियादार हो तुम दुनियादारों की बात करता हूं, एक रूप मान। मैं नहीं कहता मेरा रूप मानो, तुम राम का रूप मान लो एक मानो, कृष्ण का मान लो एक मानो, देवी का मान एक मानो, मुसलमान हो अली को मान दो एक को मानो। उस एक का सहारा लेते हुए अपनी नियत को साफ रखो। दुनिया में कोई पाप और पुण्य नहीं, जो कुछ है तुम्हारे। अब मैं अपनी नियत सोचता हूं, मैं ये काम क्यों करता हूं? अपने मान के लिए नहीं करता। अगर मुझे अपने मान की जरूरत होती तो मैं इस बात को पर्दे में रखता। आज मैं लाखों करोड़ों रुपए का मालिक होता। हाँ मैं जाता हूं। अब मुझे देते हैं आदमी, बहुत लिमिटेड आदमी देते हैं, जो समझ बूझ वाले आम दुनिया इस वास्ते। मैं कल एक औरत मेरे पास आई, अच्छा अमीर आदमी है, सरदार है वो बेचारा। अब उसका विश्वास कैसे बैठ गया था? उसके लड़का नहीं था, किसी ने उसको बोला। मैं पुणे गया हुआ था अपने भाई के पास, वो मेरे पास वहां पहुंचा है, कहना बाबा जी कारोबार फेल हो गया, लड़का नहीं है। मैंने कहा भाई एक बात मांग ले, या कारोबार मांग ले या लड़का मांग ले। अरे लड़का चाहिए, उसके लड़का हो गया। अब उसका विश्वास बढ़ गया। अब 70-75-80 हजार रुपया उसका गवर्नमेंट के पास ठेके में फंसा हुआ है। कोई झगड़ा पड़ा हुआ, 2 साल देता नहीं गवर्नमेंट, कोर्ट में हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। अच्छा वो 1 से 1 रुपया का लाइन मंदिर के लिए,
अब मैंने देखा, ख्याल आया कि ये तो बेचारा आप दामपुर के जी उसके पार पर चलता है, लकड़ियों सारे चलता है, 70,000 ने देना है। अगर तू इसे 100 रुपया ले लेगा 2,000, तू इंसान का बच्चा है कि कौन है? तेरा क्या हक है इसके पास से 100 रुपया लेने का? तेरे पास है तो तुझे मैंने 100 रुपया नहीं दिया, उसकी इज्जत के लिए 1 रुपया उठाया। तो मेरी जिंदगी का ये मिशन है, मैंने ये जितना काम किया, तुम लोग आए आइए सर, जितने तुमने उन्हें काम किए हैं, तुम लोग आते हो, मेरे मिशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? निर्वाण का हासिल करना। निर्वाण जब हासिल होगा, ज्ञान से हासिल होगा कि तुम्हारे अंतर में जितने मन के ख्यालात विचार उठते हैं, ये माया है नहीं, कल्पित है, इनमें ना फंसना, इसके चक्कर में ना आना, इस अपने मन के ख्यालात को सत ना समझते हुए अपने आप को प्रकाश और समझ में रखते हुए निर्वाण से आगे चलते रहना, और दुनिया में रहते हुए शिव संकल्प मस्तु की असूर को लेते हुए जियो और जीनो जी के इंसान से होते हुए बिना लिहाज मजहब और मिल्लत और पंथ, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र या मुसलमान या हिंदू रखते हुए दुनिया में गुजारा करना, ये है मेरा जिंदगी का। इसी वास्ते आज के दिन मैंने ये चोला पहना है। जिंदगी मिली है तुमको, सत्संग में जाकर बात को समझो, मन पर कंट्रोल करो, बाकी रह गया तुम दौड़ जो है ये ना, अरे जो कुछ तुमने कर्म किए हुए हैं वही तुमको मिलने हैं, किसी गुरु ने किसी महात्मा ने तुम्हारे कर्म को नहीं बदल देना। तुम कहते हो संत रेख में मेख मारते हैं, वो रेख में मेख मैं भी जानता हूं कैसे होती है। एक आदमी का विश्वास है, जो मेरे पास कई आदमी आते हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मैंने कह दी कोई बात, वो कहते बाबे ने कही है जो हो जाएगा। जब उसने यकीन कर लिया, उसकी रेख में मेघ बच गई। ये नहीं कि मेरे कहने से उसके उसने उसके विश्वास ने काम किया, समझ गया मेरी बात को? फूकदान भाई, तो जहां भी तुम हो, जिस हैसियत में हो, जिस मजहब में हो, जिस पंथ में हो, अगर रूहानियत चाहते हो तो मन के संकल्पों से ऊंचे उठकर अपने अंतर प्रकाश और शब्द को पकड़ो। ये विशेष नहीं है, बुरा तो नहीं मानोगे, आई हैव नॉट लव्ड यू बिकॉज यू आर एनमी, आई डू नॉट लव यू बिकॉज यू आर ए लिटरेरी मैन, आई लव यू बिकॉज यू बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ वशिष्ठ। आप समझे मेरा मतलब? वशिष्ठ की यही तालीम है जो मैं दे रहा हूं। लोग वशिष्ठ को पढ़ो, सब लोगों ने कल्पत कहा कि नहीं कहा कल्पत? तो मैं वशिष्ठ जी आपको इसलिए कहा था कि चूंकि आप बाहर प्रचार करते हैं, अगर प्रसारित की अपनी जिंदगी प्रैक्टिकल है, इफ ही हिमसेल्फ इज ए ट्रू टू हिमसेल्फ, उसकी रेडिएशन, मैंने किसी को नाम दिया? मैंने चेले को नहीं बनाया, उन्हीं को बता रही के बाद संत के पास उन्हें चेले बनाए, मेरे बाबा चरण सिंह ने बनाए, मैंने नाम नहीं दिया। मेरे पीछे देखो सैकड़ों आदमी चलते हैं, 1,000 आदमी चलते हैं, तो मैंने किसी को चेले बनाया? वाई बिकॉज वो सेंट पर्सन मैं भी प्रैक्टिकल नहीं अभी तक हुआ। आपको आई नो माई वीकनेस इन आई वॉज, मगर तो मैंने आपसे इसलिए प्रेम किया था, अभी करता हूं कि आपकी जात से, आपकी प्रैक्टिकल जीवन से दूसरों में सावित्री के साधन का, अपने अंदर प्रकाश पैदा करने का ख्याल पैदा हो आपके सत्संगों की वजह से, और शिव संकल्प मस्तु कल्याणकारी ख्याल, ये वजह थी मेरी विशेष जी कि मैंने आपके साथ प्रेम पैदा किया। प्रिंसिपल राम साहब ये आर्या समाज के हैं, इनसे मैंने प्रेम क्यों किया कि आर्या समाज में रहते हुए
बजाय खंडन मंडन करने के गायत्री मंत्र का जो सावित्री है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। ये कादरी साहब हैं, ये मुसलमान हैं, पीर हैं, इनके साथ मैंने प्रेम क्यों किया? इस ख्याल से कि मुसलमानों में रहते हुए उनके ख्याल को शुभ अच्छा संकल्प नफरत द्वेष बहुत को कटा करके अपने अंदर में जो नूर है उसकी तरफ ध्यान देना, क्योंकि हमारा जो कल्याण है वो सवाए नूर के सावित्री के प्रकाश के ब्रह्म के पार ब्रह्म के जब तक हमारी आत्मा नहीं जाएगी हमारी जीव आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। अब कोई प्रकाश को विषय पैदा करे अल्लाह का सिमरन करके, कोई करे गायत्री का सिमरन करके, कोई करे राम राम का सिमरन करके, कोई करे वाहगुरु का सिमरन करके, हमको इससे क्या लेना? तुम्हारा फायदा राम राम जपने से नहीं होगा, तुमको फायदा तुम्हारे मन की जपसुई से होगा और अपने अंदर में प्रकाश और शब्द से प्रकट करने से होगा। राम राम तो सोते भी जपते रहते हैं, राम राम पंछी जी तोते भी जपते रहते हैं, तुम अगर राम राम जपते रहो तो क्या हो जाएगा? ओम 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 कहते रहो, अपने अंदर में प्रकाश का साधन करो। तो कितना वक्त हो गया, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, पानी ना हो गए तो आप, मैं ये चाहता हूँ कि आप पहले बोलेंगे कि वशिष्ठ जी महाराज बोलेंगे जैसे आपकी ना जैसे आप वशिष्ठ जी 45 मिनट वशिष्ठ जी ले ले 45 मिनट ये ले लेंगे, कितने साफ साफ लगेंगे मेरी समझ में। हो सकता है निर्वाण कोई और हो जो ये कहते हैं, जो वो कहते हैं, जो वो कहें उनकी बात मानो, मैं कसम देता हूँ मेरी बात न मानना, क्योंकि मैंने तो अपना कर्म भोग बस जो भी मैंने अनुभव किया मैं तो वो कहता हूँ। हो सकता है मैं गलती पर हूँ, मुझे ये दावा नहीं है। मैंने निर्वाण को क्या समझा कि मन के अंतर जितने ख्यालात विचार भाव शक्ले रूप रंग रेखा प्रकट होती हैं ये दरअसल में है नहीं, पालती हैं। जिस तरह से आरे चीरने वाले जिसने बच्चे को अपने को काट दिया अखबार में पढ़ा था कि नहीं, उसके अंतर उसका बाप का रूप बाप प्रकट हुआ, कहता है क्या था कर दो। अब उसका बाप था वो, उसका अपना ही मन गंदा मन था। इस वास्ते इस वक्त ऐ सनातन धर्म के आचार्य विशेष आर्य समाज के आचार्य प्रिंसिपल राजा राम साहब, मुसलमानों के पीर कादरी बाबा, संतों के सरावकार वालोरा नाम सिंह या दूसरे, तुमको कह देता हूँ कम की राइट पास लाओ, सीधे रस्ते पर आओ। ये मन के चक्कर में आई हुई दुनिया देखो कितना अनर्थ है। तुम्हारे अंदर बाबा फकीर प्रकट हुआ, तुम उसको सच्चा मानते हो, ये ठीक है। अगर तुम्हारा मन पवित्र है तो जो कुछ तुम्हारा और जो फकीर तुम्हारे अंदर प्रकट होता है वो तुम्हारा ही आत्मा है, मैं तो जाता नहीं। यही राग है जिसको रख करके मुख्तलिफ किस्म के मजाब बन बनकर हम गृहस्थियों से कष्ट लेते हैं, मत्थे टिकाते हैं, नाक रगड़वाते हैं, हर महीने कहते हैं आओ पेंट लाओ रुपया दो पैसे दो, कितना जुल्म है और कितना अनर्थ। अच्छा आप बोलेंगे या ये बोलेंगे? अच्छा जी 45 मिनट आप बोल लीजिए। शास्त्री जी भी आए हैं, क्या नाम है वो शास्त्री जी? शहजादपुर वाले और जो वेद पाठी। अरे पंडित जी आप कहाँ गए, जरा परे हो जाओ।